कंसर्न यार, 4 पॉइंट्स करके नाम है यहाँ पे। 3-4 दिन से आ रहा हूँ यार, खाना वाना बढ़िया है यहाँ पे, लेकिन जो पहले ही वीडियोस थी सब डिलीट हो गई यार। ये है जगह, खाते हैं यहाँ पे थोड़ा खाना यार, फिर बताता हूँ। ये जिस रेस्टोरेंट पे बैठा हुआ है मैं, इनका जो ऑनर है वो इंडिया से है और उन्होंने शादी यहाँ पे कर रखी है। अच्छा रेस्टोरेंट है, इसकी मैंने वीडियोज़ बनाई थी खाने की, लेकिन वही सेम चीज़ भाई, हार्ड डिस्क का ही वो भी चला गया सब कुछ। अभी कुछ ऑर्डर करता हूँ मैं, खाना आएगा तो दिखाता हूँ। टेस्ट बहुत बढ़िया, पूरा ऑथेंटिक इंडियन जैसा टेस्ट होता है वैसा ही है। यही फाइनली खाना आ गया, बटर चिकन और बटर नान, और ये जूस मंगवाया है। ये है देखो, देखने में टेस्टी लग रहा है भाई, टेस्ट भी बढ़िया है, मैं पहले भी खा चुका हूँ यहाँ पे भाई। खाना तो खा लिया, थोड़ा बचा हुआ था टेक अवे के लिए ले लिया। फूड अच्छा है यार, बिल आया अराउंड अकाउंट से 1100 रुपये कटे हैं, सही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। अभी यहाँ से अपने होटल जाऊँगा, ATM से पैसा वैसा निकाल के होटल जाऊँगा। Two friends hotel. Yeah. You know there? Yeah. Okay, you sit down. It's okay. Behind Victoria Mall. Hey. How much? Huh? How much? Yeah. 5K. Okay. Before we go there, stop at an ATM. Okay. Yeah. Uh huh. यहाँ पे बैंक है, स्टैनबिक नाम है। पैसा वैसा निकालना है तो इससे निकाल सकते हो, लेकिन इस पर 10,000 कटता है यार, मतलब इंडिया का 200 रुपये हर ट्रांजेक्शन पे। एक वो सामने बैंक है DFCU, उस पर कम कटता है, मैं ध्यान नहीं रहा यार, नहीं तो उसी पे जाके कटता मैं। ये यहाँ का टाउन है, मेन मार्केट है यहाँ की भाई। मैं ये दोबारा आया हूँ, नाइल रिवर है जो लेक है, रिवर है यार पता नहीं, कन्फ्यूजन है। एक बार दोबारा रिकॉर्ड कर लेते यार, क्योंकि इसकी कोई फुटेज है नहीं है। मैं यहाँ से कल निकल रहा हूँ यार, आज लास्ट दिन है मेरे यहाँ पे NTB में, कल जाएंगे। कल मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कंपाला जो कैपिटल है, वहाँ से फिर अपना भाई वीज़ा वीज़ा का जो भी है सीन सॉर्ट आउट करके रवांडा निकलूँगा। ये है नैलेवर, यहाँ पे बगल में ही जितने भी बीच वाला एरिया है, कोई भी प्राइवेट एरिया है, तो अगर उधर साइड में जाऊँगा मैं, वहाँ पे चार्ज वार्ज लेते हैं शायद। हाँ, लेकिन यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है, यहाँ पे कुछ है नहीं यार, ऐसे ही पड़ा हुआ। वो बगल में रेस्टोरेंट है सामने, लास्ट दिन है यार, तो समझ नहीं आ रहा कुछ प्लान वगैरह है नहीं यार। और पिछले 3-4 दिन से भाई ऐसा डिप्रेशन में था मैं, जो जब से बैग चोरी हुआ है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब हिम्मत बना के धीरे धीरे थोड़ा वो दिमाग से बात निकल रही है। हाँ, कल अपना लैपटॉप वगैरह भी लूँगा, कंपाला में, वहाँ पे एप्पल का शोरूम है, वहाँ से लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड, कार्ड रीडर वगैरह लेके जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो अभी यहीं पे हूँ, देखता हूँ यहीं कहीं बैठूँगा, यहाँ कोई रेस्टोरेंट वगैरह में, वहाँ बैठने के बाद मेरा होटल यहीं पास में ही है, 2 मिनट का रास्ता है वॉकिंग डिस्टेंस पर, वहाँ चला जाऊँगा। बाकी जगह बढ़िया है यार, क्या नाम था इसका, पोर्ट रोड है यहाँ पे। बहुत एक्सपेंसिव लाइक होटल की प्रॉपर्टीज़ है, जितने भी वाइट लोग हैं ज़्यादा वो यहाँ आते हैं तो यहीं पे रुकते हैं। तो ये वन ऑफ द सेफेस्ट एरिया है ये NTP में। और वहाँ पे दिख रहा होगा आपको जो यहाँ पे, वो है यहाँ का नेशनल पार्क बोटैनिकल गार्डन, वहाँ भी गया था मैं, वीडियो थी लेकिन वही हुई। खैर, मेरा वहाँ पे दोबारा जाने का मन नहीं है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है वहाँ पे, बस यही है, बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं, मतलब 500 साल, 1000 साल, इतने पुराने पुराने पेड़ हैं वहाँ पर। बस यही है अपना युगांडा का ट्रिप, यहीं पर अब ख़त्म होने वाला है, अब यहाँ पर रुकूँगा नहीं, 2 से 3 दिन कंपाला में रुक के अपना वीज़ा वगैरह का सीन देख के रवांडा निकल जाऊँगा मैं। अटैचमेंट हो गई यार इस कंट्री से, छोड़ने का मन तो सच में कर नहीं रहा। और टू बी ऑनेस्ट मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ यार इन फ्यूचर यहाँ पे मूव होने का,
देखते हैं, अगर प्लान सही से सेट हो गया तो भाई यहाँ पे मैं मूव हो जाऊँगा। बहुत सही कंट्री है। आई नो लाइक चोरी हो गया सामान, एक बैड साइड है, लेकिन भाई वो चीज़ भूल जाऊँगा तो भाई बहुत अच्छा टाइम रहा मेरा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम। बाकी हाँ लास्ट डे है यहाँ पे एंटीबे में, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा इधर उधर घूमता हूँ, तो जो भी वीडियो बना सकता हूँ उसमें वीडियो बनाऊँगा। बाकी आपको कंपाला चलते हैं, कंपाला में दोबारा से रिकॉर्ड करूँगा कुछ जगहों को। पुरिया मॉल में एक स्टोर है, वहाँ पे पता करता हूँ, अगर वहाँ पे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से कंपाला जाऊँगा। कंपाला में अकासिया मॉल है, उसके अंदर एप्पल स्टोर है भाई। यहाँ तो मिला नहीं, एक दूसरा मॉल है मिलेनियम, वहाँ पे चल के देखते हैं। मुझे लगा था यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि बड़ी दुकान थी यार, दूसरे मॉल में चल के एक बार पता करता हूँ। ये मॉल के अंदर आ गए, यहाँ तो कह रहे कोई शॉप ही नहीं है, पता नहीं क्या लफड़ा चल रहा है। अब यहाँ से यार कंपाला चलता हूँ मैं, यहाँ तो कोई पकड़ता हूँ बस नहीं, बोधा वगैरह पकड़ते हैं, चलते हैं फिर यहाँ से कंपाला। ज़्यादा दूर नहीं है, 30-40 मिनट का रास्ता है भाई। ये बोधा वाला है, 30,000 में लेके जा रहा है कंपाला, इंडिया का ऑलमोस्ट 600 रुपये, एक घंटा लगेगा। ये भाई चलते हैं, वो यहाँ पे भी गया था इंपीरियल मॉल में, इसमें भाई वो कह रहे कोई शॉप नहीं है, तो वहीं जाना पड़ेगा। बढ़िया है, यहाँ से व्यू है, ये बाहर अकासिया मॉल है, सामने यहाँ पे रेस्टोरेंट है भाई। यहाँ पे कुछ मिला नहीं यार, यहाँ पे चीज़ों का रेट बहुत ज़्यादा महंगा है भाई। मैं यहाँ से सोच रहा हूँ दुबई वगैरह जाके, दुबई में जाने के बाद लेके आऊँगा ये सामान पैक करवाया। यहाँ पे मार्केट है आगे, हाय H2O which lounge is there? H2O lounge. Which lounge? H2O. H2. Yeah. How much? Okay, 3. No, 2. 2? Yeah. You go. यहाँ पे चलते हैं यार थोड़ा भाई। यहाँ पे कंपाला में आना तो बेकार हो गया, जो भी सामान आम जिस स्टॉक इंडिया का कैमरा, जो भी लैपटॉप वगैरह लेना था, इंटरनेट पे रेट है यार इंडिया का 80-90 हज़ार दिखा रहा था, लेकिन जब स्टोर में जाके पता किया तो भाई 1,45,000। हार्ड डिस्क भी महंगी थी, कार्ड रीडर भी महंगा था, तो मैंने भाई प्लान ड्रॉप कर दिया। जो भी सामान वगैरह लेना है मैं यहाँ से दुबई जाऊँगा, वीज़ा आने के बाद दुबई में जाके लैपटॉप वगैरह खरीदेंगे, फिर देखते हैं अगर मूड बना तो वापस आऊँगा, नहीं तो किसी और कंट्री निकल दूँगा वहाँ से। टाइम बर्बाद हो गया, पैसा बर्बाद हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है, जिस काम को करने जा रहा हूँ उसी में कोई ना कोई दिक्कत आ जा रही है। चलो कोई नहीं, वीज़ा आने का वेट करते हैं, जैसे ही वीज़ा आता है दुबई निकलूँगा, दुबई निकलने के बाद सामान लेते हैं। एक मेमोरी कार्ड लेना है ताकि मैं रिकॉर्डिंग करता रहूँ, जब तक कल एक मेमोरी कार्ड ले लूँगा। बाकी अभी मैं दोबारा एंटे पे जा रहा हूँ, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा यार। एंटे पे यार यहाँ से बढ़िया है, शांत है यहाँ पे। मैं जब यहाँ पे था मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, एंटे पे जाने का मन नहीं था, लेकिन एंटे पे जाने के बाद तो भाई मज़ा आ गया। सॉरी